सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल सुबह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, पूजा को लेने जाना, उसे भी वापस भी लेके आना, 52 किलोमीटर आना जाना, तो आप समझ सकते हो कितना लंबा सफ़र, और ऊपर से ठंडा भी हो रहा था। फिर उसके आते साथ ही चिल्ड्रन सेलिब्रेशन की तैयारी, इधर से उधर सामान को लाना, और तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही थी क्योंकि सेलिब्रेशन करना था। वो तो शुक्र है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे यहाँ से निकल चुका था, मगर ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे जल्दी जाना था, जल्दी वापस भी आना था, तभी जाके चिल्ड्रन सेलिब्रेशन हो पाया प्रॉपरली। फिलहाल मम्मी भी आने वाली है थोड़ी देर में। ओ आ गई मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा आ गए ड्यूटी से। थैंक यू मम। हेलो प्लीज, हमारा छोटा अच्छा भीड़ आ गया भीड़। हेलो प्लीज, हेलो टंग दिखा दो, आ कर दो। गुड बॉय। नोजी का आपका, नोजी नोजी का है, नोज नोज का है, नोज नोज जे नोज का, नोज नोज का है, नोज। ओ बापले, नोजी प्रियश का नोजी उठ गया। अच्छा, तो हो जाते हैं फ्रेश, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। फटाफट चलते हैं और मुंह हाथ धो लेते हैं। अभी बाहर आ चुका हूँ, ठंडा ठंडा लग रहा है मौसम, कमर भी थोड़ा कल से थोड़ा अकड़ गया, आवाज़ भी आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो कल के पार्टी के बाद रूम का तो बहुत ही बेहाल हो रखा है, पूरा मैश हो रखा है। तो चलते फटाफट से हो जाते फ्रेश, क्योंकि रूम की भी करनी है साफ़ सफाई आके फ्रेश होने के बाद, क्योंकि कल के पार्टी के बाद तो कुछ काम कर नहीं पाया, मैं आते साथ ही सो गया था। तो चलते हैं। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए, आज तो ड्यूटी नहीं ना आपका, शाम की है। ओके ओके, आप फ्रेश हो गए। हाँ हाँ, अच्छा झाड़ू साड़ू हो गया आपका आज। अच्छा, तो फिलहाल भी हो चुका हूँ फ्रेश और कर लिया नाश्ता, और जो कल सामान लेके आए थे हम पार्टी के लिए उनको वापस करते हैं। और हाँ, सामान वापस करने के साथ साथ लेके आते थर्माकोल, क्योंकि मुझे दोबारा शादी का प्रोजेक्ट आ चुका है, तो लेके आते हैं उसको बनाते हैं। फिलहाल उमंग भी आने वाला है, क्योंकि अभी नवंबर का मंथ है, अभी शादियों का सीज़न काफ़ी चल रहा है, तो इसी वजह से मुझे प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो चलते ही फटाफट लेके आते हैं और सामान भी साथ में छोड़ के आते हैं। तो प्रियस दलिया खा रहा अपने नानू के हाथ से, टेस्टी टेस्टी है प्रियस, ये मज़ा आ गया प्रियस है। तो उमंग आ चुका है लेके सामान, फटाफट आ जाओ उमंग, फटाफट चलते हैं फिर वापस करके आते हैं। तो उमंग आ चुका है सामान छोड़ के, फिलहाल अभी थर्माकोल ले चुके हैं, चलते हैं लेके से फटाफट घर, अब करते हैं इसकी कटिंग। हेलो आर्यन, हाउ आर यू? मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हो? और प्रियांशु कैसे हो? मॉर्निंग मॉर्निंग, बढ़िया। तो करते हैं इसको, करते हैं इसकी कटिंग। फिलहाल तो आ चुका हूँ अपने रूम में, मैं सोच रहा हूँ बाहर जाके इसकी राइटिंग करूँ और साथ में कटिंग करूँ, मगर बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसको मैं अभी अंदर लेके आ चुका हूँ, अब करता हूँ काम को शुरू। तो आज मेरा ट्राईपॉड आने वाला है, मिनी ट्राईपॉड, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था क्योंकि हाथ से मेरे को प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो ट्राईपॉड में ऐसा होता है कि आप नॉर्मली उसको इजीली कहीं भी ले जा सकते हो बिना किसी मुश्किल के, मगर आप हैंड से मतलब ऐसे करके पास दूर करने से ना उसमें मतलब थोड़ा शेकपन आ जाता है। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, जब तक मेरा ट्राईपॉड नहीं आता तब तक मैं कर लेता हूँ प्रोजेक्ट का काम। तो मैं अपना जितना ही व्लॉग शूट करता था तो मैं मोबाइल को उस मिनी ट्राईपॉड में लगाता था, और ईजिली बहुत ही अच्छे से वो स्टेबलाइज रहता और अच्छे से वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आती थी। मगर मेरा जो मिनी ट्राईपॉड था वो टूट चुका है, तो इसे देखिए ये पूरा टूट चुका है। तो मुझे जो मज़ा इस मिनी ट्राईपॉड में मज़ा आता है वो चीज़ हाथ में पकड़ने से नहीं आ रहा है। तो जब से मेरा ट्राईपॉड टूटा है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है व्लॉगिंग करने में, क्योंकि मैं उसको ऐसे करके हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, कभी कभार वो स्लिप हो जा रहा है और नीचे गिरने के कारण तो कभी कभार उसे डैमेज होने का सबसे ज़्यादा खतरा, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है उसको। तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग को सेफली कर रहा हूँ जब तक मेरा ट्राईपॉड नहीं आता। अभी मैंने फिलहाल ट्राईपॉड को मंगा रखा है, फिलहाल ट्राईपॉड को ऑर्डर कर चुका हूँ, तो आज उसका आने वाला डिलीवरी डे है। तो आज मेरा मिनी ट्राईपॉड आने वाला है, मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था 4 दिन पहले, तो आज मेरा डिलीवरी आने वाला है। प्रदीप भैया आपकी डिलीवरी आ चुकी है। अच्छा आ गया भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, आ रहा हूँ मैं बाहर, जरा है एक मिनट।
तो फाइनली आ चुके मेरी डिलीवरी, और मेरी सिस्टर जा रही है उसे लेने के लिए, तो उसका भी डिलीवरी आ चुका है। तो करते उसको भी लेके आते अंदर और करते फटाफट से अनबॉक्सिंग। तो फाइनली आ चुका है मेरा अमेज़ोन से मिनी न्यू ट्राईपॉड। तो इसका डिज़ाइन भी जो पहले वाला ट्राईपॉड से था बहुत ज़्यादा अलग है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये था वो मिनी ट्राईपॉड जो पहले मैं यूज़ करता था, जो टूट चुका है अब। तो करते हैं इसको अभी साइड में, अब इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये कौन से डिज़ाइन में है, दिखाते हैं आपको। तो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा ट्राईपॉड। और कुछ नहीं है, पेपर वर्क। आ चुका है हमारा न्यू ट्राईपॉड विद न्यू डिज़ाइन। तो देखते हैं खोल के कैसा लगता है। तो इसमें अभी ये आ रखा है मोबाइल होल्डर, अभी कुछ अलग ही टाइप का मोबाइल होल्डर है, इसमें स्क्रू वाला है कुछ ऐसे टर्निंग वाला। और दूसरे में देखते हैं, तो क्वालिटी इसमें ठीक ठाक है, इसमें चीज आ चुका है, मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। तो ये ऐसे करके फिक्स होता है, तो ये इस तरह से बनता है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आप ट्राईपॉड भी यूज करके पकड़ सकते हो, तो ईजिली आप बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। इसमें आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कि इसमें टर्निंग पॉइंट भी आता है, आप ऐसे ईजिली आप ऐसे करके यहाँ से दबा के आप मूव करके और यहाँ से ट्राईपॉड के लिए स्टैंड बना सकते हैं ईजिली। तो आप फोन को ऐसा अटका सकते हो ईजिली, और आपको लगता है कि ये ज़्यादा नीचे हो रहा है तो आप यहाँ से दबा के इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एक बार फ़ोन भी लगा के देखेंगे कैसा लगता है। ये इस तरीके से आएगा कुछ, तो इसको ऐसे फोल्ड करके आप इजीली आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसे घुमा के आप इजीली। तो ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये ले सकते हो बहुत इजीली। जिसको ज़्यादा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में जिसको ये रिकॉर्डिंग चाहिए बहुत ईजी हो सकता है, ये मतलब बहुत सूटेबल है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ब्लॉगिंग के लिए चाहिए था, तो मुझे मिल चुका है, काफ़ी सही लग रहा है मुझे, स्टडी भी लग रहा है और डिज़ाइन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी तो मैं इस मिनी ट्राईपॉड से शूट कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, वो भी फ्रंट वाले कैमरे से। तो जैसे कि आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो उनके लिए ये मिनी ट्राईपॉड बहुत ही अच्छा, बहुत इजी है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो आप जब चाहे वीडियो शूट कर रहे हो या फिर व्लॉगिंग करते हो, आप इसको इजीली बहुत आराम से चला सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्का है और बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, और आपका फ़ोन गिरने से सेफ भी रहेगा। मेन बात तो ये कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी बहुत ही कम है, अराउंड 390 या 400 के आसपास है इसका रेट। आप इजीली इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो अमेज़ॉन पे, और या फिर आप बाहर मार्केट से भी ले सकते हो। वैसे तो इसकी बहुत तारीफ कर चुके हैं, अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो अभी बाहर आ चुका हूँ, अंधेरा हो चुका है, चाँद भी निकल चुका है और काफ़ी ठंडा हो रहा है, सब लोग सो चुके हैं, बस पर्दी भी जाग रखा है, पता नहीं क्यों जागता है प्रदीप और दिन भर कहाँ गायब रहता है। तो चलते हैं अंदर, नहीं तो कुल्फी जम जाएंगी, और कुल्फी जम जाएगी तो फिर कोई मेरे का आइसक्रीम बना के खा लेगा, मजाक कर रहा हूँ, चलते हैं फिर फटाफट। थर्माकोल आ चुके, करते इसमें राइटिंग और इसको फिर सजाते हैं। तो अभी हो चुका है राइटिंग कंप्लीट, तो फिलहाल मेरी राइटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और कटिंग में कल करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो गाइस आज का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और यूं ही अपना सपोर्ट और प्यार यूं ही देते रहिएगा मुझे। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।